असलम दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में जो जॉब्स आई हैं उनका अप्लीकेशन फारम आप किस तरह पुर कर सकते हैं अप्लीकेशन फारम फिल करने का मुकम्मल तरीक़ार इस वीडियो में बताऊंगा तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अप्लीकेशन फारम को इस तरह फिल करना है तो सबसे पहले अप्लीकेशन फारम का प्रिंट निकाल लेना है जो आपके सामने इस तरह आ जाएगा तो इसको मैं आपको जुम करके दिखा देता हूँ कि टॉप पर लिखा हुआ है दरख्वास्त फॉरम बराबरती टेक्निकल कैडर स्पेशल पर, ब्रांच पंजाब पुलिस सबसे पहले आपने यहाँ पर तीन हज़ार ताज़ा पासपोर्ट साइ तस्वीर जो है वो जहाँ पर मुंसलिक करनी है तस्वीरें लगा लेनी है तस्वीरें लगाने के बाद जहाँ पर आपने बिल्कुल शुरू में आ जाना है स्टार्ट में आ जाना है नाम असामी बम स्केल आपने जहाँ पे असामी का नाम लिखना है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके आगे स्केल भी लिख देना है स्पेशल ब्रांच आपने जहाँ पे रीजन का नाम लिख देना है कौन सा रीजन है आपका उसके बाद हर असामी के लिए अलग अलग आपने दरख्वा देना होगी यहाँ पर उर्दू में आपने नाम लिखना है अंग्रेज़ी में यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिख देना है उसके बाद वल्दियर यहाँ पर उर्दू में लिखनी है अंग्रेजी में लिखनी है यहाँ पर शांति कार्ड जब फारम नंबर आपने एंटर करना है डोमिसाइल का ज़िला आपने यहाँ पर इंटर करना है लिखना है उसकी बेतरीफ पैदाइश हिन्सों में आपने जहाँ पर लिखनी है और मुतलका थाना जो आपका करीबी आपको थाना लगता है उसका नाम लिखना है अब यहाँ पे हम आ जाते हैं तलीम की तरफ के आपकी तलीमी कबलीत क्या है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डिग्री का नाम लिखना है जैसा कि मैट्रिक हो गई इंटर हो गई बैचलर और मास्टर जो भी है उसका नाम लिखना है उसका आगे बोर्ड लिख देना है क्योंकि उस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने की है और आपने कितने मार्क लिखे हैं कितने मार्क्स लिए हैं वो लिखने हैं और टोटल मार्क्स भी साथ लिखने हैं इस तरह सबके टोटल नंबर और हासिल करदा नंबर और डिवीज़न यहाँ पे लिख देनी है कितनी बनी है ये आपने लिखने के बाद नीचे आ जाना है नंबर आठ पे आपके पास कोई फ़नी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है उसका नाम लिखना है यहाँ पे तजर्बा लिखना है कितने साल का है और कहाँ से किया है सूट का नाम क्या है कितने ड्यूरेशन है उसके बाद कह रहे हैं नौे नंबर के अगर आप पहले से सरकारी या अगर नीम सरकारी हैं तो आप एन ओ सी साथ लाजमिल लफ़ करें अपना मौजूदा पता जहाँ पर आपने लिख देना है और मुस्तकिल पता जहाँ पर आपने लिखना है फ़ोन नंबर जहाँ पर लिखना है जो ऑन होना चाहिए और दूसरा मोबाइल नंबर ऑप्शन अगर एक नंबर बंद हो तो दूसरे से रबता किया जा सके उसके बाद आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ओपन मेरिट है ख़ीन का कोटा एक लीती है या मज़ूर है उसको आपने यहाँ से किसी एक को चूज़ करना है और एक अहम बात है कि अगर आप मजदूर कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं तो सोशल वेलफेयर माल से आपको मजदूरी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए उसके बाद फैमिली क्लेम आप कर रहे हैं हाँ या नहीं अगर आप जो है मजदूर या शोधा की फैमिली हैं और नंबर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपने उनकी क्लेम कागजात साथ लगाना होंगे बाकी ये सारा नीचे हलफनामा ये आपने पढ़ लेना है इसको और उसके बाद यहाँ पे दस्खत कर देने हैं और यहाँ पे अपने अंगूठे का निशान लगा देना है तो इस तरह आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा हो जाए